हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कुहाड़ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन लेडीज हाफ जैकेट गर्ल्स टॉप फ्रॉक कुर्ती किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं इन सभी प्रोजेक्ट पर यह डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर तीन फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा 12 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 12 फंदे गिन लीजिए फिर से 12 फिर से 12 इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके तीन फंदे होने चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है आठ सिलाइयों का डिजाइन है और सोलह सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं 27 फंदे बारह दुनी चौबीस और उसमें तीन फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है अब डिजाइन की ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिए पहला फंदा इसका एस्टिच है इसे उतारिए या उल्टा बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है यहां से अब हम डिजाइन शुरू करेंगे तो देखिए धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो और ये तीन अब देखिए एक और ये दो इन दो फंदे को टाइट हो तो ऐसे लूज कीजिए आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा कर दीजिए अब धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा अब धागा अपनी तरफ रहे और इस एक फंदे को अब हम सीधा बना देंगे यहाँ पर हमने जो दो फंदे का एक बनाया वो हमने जाली से यहाँ बढ़ा दिया अब धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे इस तरह से लपेटकर एक जाली बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा अब धागे को पीछे करेंगे इस एक फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे अब देखिए, दो का हमने एक किया बीच में अब हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे देखिए, एक दो तीन चार और ये पांच तो ये देखिए दो का एक करने के बाद हमने पांच फंदे सीधे बनाए फिर दो फंदे को हल्का सा लूज करेंगे आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे अब ये देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमने उल्टा फंदा बनाया है इस फंदे से लेकर यहां तक ये बारह फंदे का डिजाइन बनता है देखिए दो चार छः, आठ दस और ये बारह अब इसके बाद हमें सेम डिजाइन दोबारा से रिपीट करना होगा यहां पर देखिए स्टार्टिंग में आपको फिर से बता देती हूँ एस्टिच के बाद तीन फंदे सीधे बनाइए फिर आगे से सिलाई डालकर दो फंदे का एक फंदा कर दीजिए फिर एक फंदा उल्टा धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहां जाली आ जाएगी फिर धागा अपनी तरफ कीजिए लपेट कर जाली डाल दीजिए फिर एक फंदा उल्टा पलट के फंदे को सीधा कर देंगे और दो का एक बनाएंगे फिर देखिए ये बीच में आप पांच फंदे सीधे बुनिए फिर आगे से सिलाई डालकर दो का एक कर दीजिए तो ये जो उल्टा फंदा है यहाँ से यहाँ तक बारह फंदे का डिजाइन है इसी को बार बार रिपीट करते जाना है अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे जो लास्ट में आएगा उसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ही रहे इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे जो फंदा हमने यहाँ पर कम किया है वो जाली से यहाँ बढ़ा दिया फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे लपेट कर एक जाली बना देंगे फिर हम एक फंदा उल्टा बुन देंगे अब धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन एस्टिच को उल्टा बुन देंगे बीच में आपने यही बारह बारह फंदे का डिजाइन रिपीट करना है और एंड में आपका ऐसे ही बन जाएगा अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सारी सिलाईया इस डिजाइन में उल्टी ही बनेगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए दो सिलाइया डिजाइन की कंप्लीट हो गई अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर पहले फंदे को उतारिए या बनाइए अब धागा पीछे करेंगे और यहां पर दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब देखिए एक और ये दो इन दो फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक फंदा बना देंगे फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदा ये उल्टा धागे को पीछे करेंगे जो जाली से फंदा हमारा बढ़ गया इसको हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे इसी फंदे पर हम फिर से जाली बना देंगे तो यहां फंदा बढ़ा दिया यहाँ हमने घटा दिया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे यहाँ पर जो जाली से फंदा बढ़ाया वो हमने यहाँ पर घटा दिया अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन तो ये देखिएगा फ्रेंड्स अब एक और ये दो इन दो फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे तो ये देख लीजिएगा यहां पर ये जो फंदा है इसे छोड़कर यहां से यहां तक जो डिजाइन बनाया इसी डिजाइन को आपने बार बार रिपीट करते जाना है फिर लास्ट में आपके देखिए ये हमने जो दो का एक किया है आगे से सिलाई डाल के उसके बाद एक फंदा उल्टा धागा पीछे ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसको सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बुनने से यहां जाली से फंदा बढ़ा दिया यहां पर हमने घटाया था फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाली से बने हुए फंदे को सीधा बना देंगे तो एक जाली और आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे यहाँ जाली से बढ़ा दिया यहाँ हमने घटा दिया अब दो फंदे सीधे एक और ये दो और लास्ट का फंदा स्टिच है इसे उल्टा ही बुन देंगे तीन सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स चार सिलाइया डिजाइन की कंप्लीट हो गई है पांचवी सिलाई है और सीधी साइड है पांचवी सिलाई को देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए अब धागे को पीछे करेंगे एक फंदा यहा सीधा अब देखिए एक और ये दो अगर टाइट हो तो ऐसे लूज कीजिए आगे से सिलाई डालकर दो फंदे का एक फंदा करेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे करेंगे ये जो जाली से फंदे बढ़ रहे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे यहाँ पर फंदा कम होता है तो यहां जाली से बढ़ जाता है धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे फिर से धागा अपनी तरफ ये जाली वाले जो दो फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे एक और ये दो धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे अब यहाँ एक फंदा सीधा अब एक और ये दो इन दो फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदे ये जाली से बने हुए सीधे फिर धागा अपनी तरफ बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहां जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ जाली से बने हुए दोनों फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे ले जाएंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई लेंगे और दो का एक फंदा कर देंगे अब ये एक फंदा सीधा और एच टीच को उल्टा बुन देंगे पांच सिलाइया डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी उल्टी बना दीजिए तो मैं उल्टा बुनकर छठी सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड छह सिलाइया डिजाइन की कंप्लीट हो गई अब आज ये इसकी सातवीं सिलाई और सीधी साइड पर पहला फंदा एस्टिच है उसके बाद धागा पीछे करेंगे एक और ये दो इन दोनों फंदे में आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और ये तीन फंदे सीधे देखिए एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे तो यहां जाली से फंदा बढ़ा दिया यहां हमने घटा दिया फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन तो यहां पर हमने जाली से फंदा बढ़ाया है धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे अब ये जो तीन फंदे हैं इन तीनों का हमें एक फंदा करना है तो तीनों को ऐसे थोड़ा सा लूज करेंगे आगे की साइड से सिलाई डाल के तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे तो देखिए यहां तीन का एक करने से दो फंदे कम हो गए हैं तो एक फंदा जाली से हमने यहाँ बढ़ाया एक हम आगे बढ़ा देंगे तो अब ये एक फंदा उल्टा धागा पीछे तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस सेंटर के फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया जो कि यहां कम हुआ था फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे ले जाएंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे और लास्ट का फंदा हमारा एस्टिच है सात सिलाईयां डिजाइन की कंप्लीट हो गई अब आज ये इसकी आठवीं सिलाई और उल्टी साइड पर इसे मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स आठ सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई है अब हमें बनानी यही आठ सिलाइयाँ हैं सिर्फ इस डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी ये वाला जो हमारा डिजाइन है वो इस फंदे पर बनेगा और ये वाला जो डिजाइन है वो हमारा यहाँ पर और यहाँ पर बनेगा तो अब इसकी ये नौवीं सिलाई है और सीधी साइड है तो इसको ध्यान से देखिए पहला फंदा एस्टिच है उतारिए या बनाइए अब धागा अपनी तरफ रहे इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे अब पांच फंदे सीधे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच अब ये जो दो फंदे हैं टाइट हो तो ऐसे लूज कीजिए आगे से सिलाई डालकर दो फंदे का एक फंदा बना दीजिए धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदा उल्टा अब देखिए यहाँ पर हमने जाली से फंदा बढ़ाया तो ये वाला हमने दो का एक कर दिया अब यहाँ पर जो हमने दो का एक किया उसके लिए धागा अपनी तरफ रहे इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया अब धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे लपेट कर एक जाली डाल देंगे फिर एक फंदा उल्टा अब धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे अब पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और ये पांच अब देखिए एक और ये दो इन दो फंदे को ऐसे लूज कीजिए आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिए फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे ले जाएंगे ये जो सीधा फंदा है इसे हम सीधा ही बुनेंगे अब ये वाला जो फंदा जो हमने घटा दिया वो हम यहां बढ़ाएंगे तो धागे को अपनी तरफ करेंगे लपेट कर एक जाली डाल देंगे और एस्टिच को उल्टा बुन देंगे नौ सिलाईया डिजाइन की कंप्लीट हो गई दसवीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर दीजिए दस सिलाइया कंप्लीट हो गई हैं, ग्यारहवीं सिलाई है और सीधी साइड है ग्यारहवीं सिलाई को देखिए पहला फंदा एस्टिच है इसे उतारिए या उल्टा बनाइए अब धागे को पीछे करेंगे जो जाली से फंदा बढ़ गया इसको हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को सीधा बना देंगे तो जाली से एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक फंदा बना देंगे अब यहाँ बीच में तीन फंदे सीधे आएंगे एक दो और ये तीन आगे की साइड से डाल डालेंगे और दो फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागे को पीछे ले जाएंगे ये जो जाली से फंदा बनाया इसको हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे जाली हमें हर बार इसी फंदे के दोनों साइड बुननी है तो इस फंदे को सीधा बनाने से यहाँ जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ ये जो फंदा जाली से बढ़ गया इसको सीधा बुनेंगे तो एक फंदा और बढ़ जाएगा फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन अब एक और ये दो आगे से सिलाई डाल के इन दो का एक फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे करेंगे अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे जाली से बने हुए फंदे को सीधा बुन देंगे यहाँ पर भी जाली हमें हर बार इस फंदे के यहां पर बुननी है और लास्ट का हमारा फंदा एस्टिच का इसे उल्टा बुनेंगे अब आजिए इसकी बारहवीं सिलाई और उल्टी साइड पर इसे आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर, कर दीजिए बारह सिलाइया डिजाइन की कंप्लीट हो गई है तेरहवीं सिलाई है और सीधी साइड है तेरहवीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए अब धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे एक और ये दो धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को यहां सीधा बनेंगे यहां पर जाली हर बार इसी फंदे के यहाँ बनानी है फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागे को पीछे ले जाएंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे अब बीच में एक फंदा सीधा आएगा अब आगे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक फंदा कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे ये सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे सीधे एक और ये दो तो यहां भी फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे ले जाएंगे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डाल के एक फंदा बना देंगे अब एक फंदा सीधा आगे से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदे को सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करके फिर दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा एस्टिच है तेरह सिलाइया डिजाइन की कंप्लीट हो गई चौ सिलाई को आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर, कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से उल्टा बुनते हुए इसकी चौदहवी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है पंद्रहवी सिलाई है और सीधी साइड है पंद्रहवीं सिलाई को ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या बनाइए अब धागा पीछे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे ले जाएंगे और यहां पर हम तीन का एक करेंगे तो तीनों फंदे को आप ऐसे लूज कीजिए आगे की साइड से सिलाई डाल के तीन फंदे का यहाँ एक फंदा सीधा बना दीजिए फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ यहां तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागे को अपनी तरफ ले आएंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ तीन का एक करना है तो तीनों फंदे को ऐसे लूज कर देंगे फिर आगे से सिलाई डाल के तीन का एक फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट में ये तीन फंदे आप सीधे बनाइए और एज स्टिच को उल्टा बुन दीजिए पंद्रह सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई सोलहवीं सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर, कर दीजिए तो फ्रेंड्स ये ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार इस डिजाइन में ले सकती हैं तीन प्लाई वाली अगर आपकी ऊन है ओस की या सिर्फ तीन पलाई की तो उसमें आप नौ नंबर की सिलाई यूज कीजिए और अगर इस तरह से आपकी नॉर्मल ऊन हो तो उसमें आप दस नंबर की सिलाई यूज कर सकती हैं फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के साथ साथ ही बना लें ताकि अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये देख लीजिए इसकी सोलहवीं सिलाई को मैंने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दिया तो सोलह सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है इन्हीं सोलह सोलह सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है तो चलिए आप सबको इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि डिजाइन को दोबारा रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये देखिए जैसे हमने यहां से पहली सिलाई बनाई वही मैं आपको यहां से बनाकर दिखा रही हूँ पहला फंदा एस्टिच है धागे को पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन देखिए एक और ये दो इन दो फंदे में आगे से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा अपनी तरफ ही रहे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ लपेट कर एक, जाली बना देंगे। एक फंदा उल्टा धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक अब पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और ये पांच ये देखिए दो का एक करने के बाद पांच सीधे बनाए तो अब ये वाले जो दो फंदे हैं इसमें आगे से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा अपनी तरफ ही रहे इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डाल देंगे एक फंदा उल्टा फिर धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन और एस्टिच को उल्टा बुन देंगे नेक्स्ट बार की मैंने आपको ये पहली सिलाई बुनकर दिखाई है उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बन जाएंगे तो फ्रेंड्स जब आप बार बार इन्हीं सोलर सोलर सिलाइयों को रिपीट करेंगी तो आपका इस तरह से बहुत ही शानदार सा ये डिजाइन बनता चला जाएगा अगर आप सबको ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शे, शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू